चुनाव की तैयारियों के बीच देखिए नेताजी का चुनावी रंग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से लोकसभा के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान रायसेन में प्रचार के दौरान एक आदिवासी के घर पहुंचे, तस्वीरें आपके सामने हैं और रात्रि भोजन इस दौरान उन्होंने किया। शिवराज सिंह के साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है, ये तमाम बातें इस दौरान कही गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी के घर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने खाना भी खाया। इस वक्त जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए खबर उत्तर प्रदेश से। अमरोहा नॉमिनेशन सेंटर के बाहर एक अलग ही नजारा दिखा। वहां नॉमिनेशन सेंटर के बाहर एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया क्योंकि उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। नॉमिनेशन करने वाला शख्स पेशे से ऑटो ड्राइवर। तो पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को समझाया कि आपके पास प्रस्तावक नहीं है, आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, लेकिन नॉमिनेशन करने गया ऑटो ड्राइवर लगातार रोता दिखा। तस्वीरें आप देखिए जरा। जब आपने एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया फिर आपका नामांकन गलत हो गया। ना तो कैसे कर रहे हैं? अरे तो लाद हो गया, उसका समय सीमा खत्म हो गई, एक निर्धारित समय सीमा होती है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने पब्लिक मीटिंग की, लोगों के से कांग्रेस को वोट देने की अपील इस दौरान उन्होंने की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हमीरपुर में सुक्खू की ओर से कहा गया कि दावा करने से कुछ नहीं होता है, जनता की अदालत में ही जीत हार का फैसला होता है। कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली को अमरोहा में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वोट मांगने पहुंचे दानिश अली का लोगों ने विरोध किया। ये तस्वीरें आप देखिए अमरोहा से सामने आई जहां लोगों का आरोप है कि अमरोहा की जनता ने 2019 में दानिश अली को सांसद बनाया, लेकिन दानिश अली ने अमरोहा में कोई काम किया ही नहीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो अमरोहा में आना ही भूल गए और ऐसे में गुस्से का सामना करना पड़ा दानिश अली को। दानिश अली पहले बीएसपी के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार उन्हें अमरोहा से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में जब वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे तो जनता के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा क्योंकि वहां के लोगों का आरोप है कि अमरोहा में चुनाव जीतने के बाद दानिश अली नजर ही नहीं आए। बिहार के दरभंगा में 13 मई को वोटिंग है। बीजेपी सांसद और प्रत्याशी गोपाल ठाकुर जनता से वोट मांगने पहुंचे जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने उन्हें घेर लिया। दरभंगा एम्स का काम पूरा नहीं होने पर लोगों ने उनका विरोध किया। बीजेपी उम्मीदवार गोपाल ठाकुर ने इसे विपक्ष की साजिश बता दिया। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजकल मिशन साउथ पर है, धुआंधार प्रचार और रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने चेन्नई में भी रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार आरसी पॉल कनकराज के लिए वोट मांगा। स्मृति ईरानी के रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ी थी। तस्वीरें आपके सामने।